The short order of the majority of even date and the other petitions, including leave petitions and CMAs, are decided accordingly. There are a number of orders, so I will let the senior person heading that particular order to read the entire order or whatever he wants to read therefrom. Chair sir, you have a copy. Is this original? जी मेरे पास तो नहीं है मेरे पास रिपोर्ट है मैंने आपको दी मैं कहता हूं आपसे पाकिस्तान की आवाम से आपको मुबारक हो ये पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसे दिन हैं जब ताकतवर और जाबिर के इरादों को मात दी हो अदालत ने जो ये चाहते थे कि सीटें हमसे छीन कर और हमें माले गनीमत के तौर पे बांटते और आइन का हुलिया बिगाड़े आइनी तरामीम के जरिए उनके इरादे आज पाश पाश हुए हैं आज आइन की पता हुई है कि बहुत बड़ा दिन है ये बहुत बड़ा दिन है मैं आवाम को खुशखबरी देता हूँ कि आज हमने एक कानूनी जंग जीती है अब हमें सियासी जंग भी जीतनी है पाकिस्तान के आवाम का जो इरादा था 8 फरवरी को उसको सलक किया गया उस इरादे को हमने अमन माना है और हम ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे आज की कानूनी फतह एक कदम है उस मंजिल की जानिब हमारी मंजिल यही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो पाकिस्तान में आइन का दौरा हो और जो लोग आइन और जमहूरियत को सामाल करना चाहते हैं उनको शिकस्त हो हम खड़े हैं सीसा पिलाई दीवार की तरह सत्ता पे मुकामत करेंगे मैं आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की सदर कंवर शाहजेब साहिबा के भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इन्हें बड़ा रोल प्ले किया है ये प्रायोरिटी लिस्टें फाइनल करने में रात 4-4 बजे तक ये जागती रही मेरे से वो फाइल लिस्टें फाइनल करती रही और इस मुकाम तक लाने में इनका बड़ा रोल है इनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं आप भी अपने ख्याल का कुछ करें जी ये नहीं था ये अपील है हमने पिटीशन फाइल कर दी थी पिटीशन अलाउ हो गई थी न्यू ग्रांट हो गई थी ये वही है इसके बाद कुछ नहीं है अपील नहीं है जी कोई अपील नहीं है कौन बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम खुश है आज या का नाबदू वैया का नस्ताइन इंशाल्लाह आई आई पीटी आई आज को बड़ी खुश है पूरी पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से जमहूरियत का इस्तेमाल किया गया आवाम के मैंडेट का खून किया गया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया गया आज इस अदालत ने इस बात का यकीन दहानी कराई इस बात का इकरार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफी हुई आवाम के साथ नाइंसाफी